नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ठंडी में अक्सर हम धूप सेकने को छत पे या बालकनी पे बैठते हैं और उस समय हमें मूढ़ी के लड्डू, गजक, तिल पापड़ी, मूंगफली या बादाम चक्की खाने का बहुत मन करता है। तो चलिए आज बादाम चक्की बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में एक कप गुड़ मेल्ट करेंगे, जिसे मैंने पहले से ही कटिंग कर रखा है। देखिए, गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच घी। दोस्तों, घी डालने से चक्की में साइन अच्छी आती है। चम्मच को लगातार चलाते रहिए, नहीं तो गुड़ चिपक जाएगा। चलिए अब चाशनी को चेक करते हैं। इसके लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें चाशनी की 1 बूंद डालेंगे। अगर ठंडी होने के बाद बूंद कड़ी हो जाती है, इसका मतलब चाशनी एकदम परफेक्ट है। चाशनी तैयार हो गई है। अब डालेंगे 1 कप मूंगफली का बादाम। अब किचन प्लेटफार्म पर थोड़ा घी लगाकर इस मिश्रण को फैलाएंगे। मिश्रण को अच्छे से फैला लेंगे और बेलन में घी लगाकर इसे बेल लेंगे। आप जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेल लीजिए, अपनी इच्छा के हिसाब से मोटा या पतला रख लीजिए। दोस्तों, ये प्रक्रिया आपको जल्दी जल्दी करनी होगी। मिश्रण अगर ठंडा हो जाएगा चक्की परफेक्ट नहीं बैठेगी। अब इसे पिज्जा कटर से कटिंग कर लेंगे। मैं पिज्जा कटर से कर रही हूँ, आप कोई भी चाकू से कर सकते हो। कटिंग करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये एकदम सेट हो जाए। 10-15 मिनट के बाद हमारी बादाम चक्की एकदम अच्छे से सेट हो गई है। अब ये खाने के लिए तैयार है। घर में बनी शुद्ध बादाम की चक्की खाने के लिए तैयार है और ये दांत में चिपकेगी भी नहीं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।